हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नितिन कालिया की दुनिया। आज मेरी एनिवर्सरी है, तो आज मैं अपना व्लॉगिंग का स्टार्ट यहीं से कर रहा हूँ। बस अभी सुबह सुबह का समय और अपनी वाइफ के लिए मैं चाय बना रहा हूँ। वैसे नॉर्मली तो मेरी वाइफ ही मेरे लिए हर समय चाय बनाती है, लेकिन मैंने कहा चलो यार, आज स्पेशल डे है तो उसके लिए मैं चाय बनाऊँ। तो आज चाय बनाने का काम मेरा है, और ये छोटू सा जो एक डाला है मैंने चाय, ये मेरे छोटू मोटू प्यारे से बेटे के लिए है, क्योंकि वो इसके साथ डुबा डुबा के बड़े प्यार से बिस्किट खाता है। आज का सिंपल सा नाश्ता है हमारा पपीता और कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स मैं पतंजलि का लाता हूँ, ऐसे पहले तो दूसरा खाता था, लेकिन पतंजलि का लाया तो मेरे को अच्छा लगा, टेस्टी लगा, तो हम पतंजलि का ही यूज़ करते हैं। मेरे बेटू लाल को सुबह से थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ता है, उसको ज़रूरी है थोड़ा सा लाड प्यार, नहीं तो फिर नाराज़ हो जाता है। तो उसको ज़रूरी है कि उसका सुबह उठने के बाद 2-4 घंटे तक उसको लाड प्यार करते रहें, नहीं तो वो मोस्टली फिर परेशान करता है वो कि नहीं करो। तो ये मेरी वाइफ वहाँ उसको थोड़ा सा पैम्पर करते हुए, वो मोस्टली हम दोनों के बीच में ही बैठा रहता है हर समय। उसको बड़ा पसंद है कि हम दोनों के बीच में बैठ जाएगा, बोलेगा एक बार आप खिलाओ एक बार मैं खिलाऊँ। तो बस हम यहाँ पे अपना नाश्ता हमने स्टार्ट कर लिया है, आप भी खाइए हम भी खाते हैं। और यहाँ पे मैं और मेरी वाइफ एज यूजल बातें करते हुए। वैसे भी हम दोनों का फेवरेट काम, हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है कि एक दूसरे से बात करते हुए, अब मतलब नॉर्मली हम बात करते हुए ही खाते हैं। मतलब जब भी मैं कितने दिन में मैं घर में रहूँगा, या मेरी छुट्टी है या कुछ भी है, तो हमारा सब मेरा सबसे ज़्यादा समय उसके साथ बातें करते हुए ही बीतता है। आज हमारी एनिवर्सरी है, बहुत कुछ प्लान किया था कि ऐसा करेंगे ये करेंगे वहाँ जाएंगे, बहुत कुछ प्लान किया था, लेकिन हुआ ये कि आज सुबह सुबह मम्मी वॉशरूम में गिर गई। स्लीपर पहनी हुई थी और तो पता नहीं कैसे पैर स्लिप हुआ, क्या हुआ, ब्रेकफास्ट के बाद ब्रेकफास्ट के बाद, तो इसका हाथ मुड़ा और होठ पे चोट आई है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये इसके होठ पे चोट आ गई है आराम से। हाँ बस बस काफ़ी, मत दिखा और मत दिखा, काफ़ी है। तो इसके होठ पे आ गई है और चोट यहाँ पे भी स्वेलिंग है। और यहाँ पे आ गई स्वेलिंग, मतलब गिरी तो मतलब फेस मतलब सीधा जमीन में आके टकराया। और एक पैर बकेट में घुस गया और सीधे से ऊपर से गिरते हुए, मतलब इतने ऊपर से जितनी मेरी हाइट है, सीधे नीचे जमीन पे आके से टकराया। तो वो इसलिए भी लेटी हुई है। बस अभी कढ़ी चावल बनाया था मैं तो, लेकिन अब उसकी मैं क्या मतलब रेसिपी शेयर करता, फिर तो जानते हैं पूरी कुकिंग करना। खाना बनाना पूरा आता है, क्योंकि मैं क्या रेसिपी शेयर करता, तो मैं बस कुछ नहीं किया, मतलब वो खा लिए हैं। तो और आज हम कहीं विशेष तो कहीं नहीं जा रहे हैं आज, अरे हम हिम्मत नहीं है अभी कहीं जाने की। नहीं नहीं लेके भी नहीं जाऊंगा तेरे को, तू आराम कर, आज हम बस घर में ही रहेंगे। खैर ऐसा तारीख, खुशियां तारीख से नहीं बंधी होती, सब दिन अच्छे हैं बस आप अच्छे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो फिर आज ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं कर पाएंगे। केक ऑर्डर कर दिया है इन्होंने। केक ऑर्डर मैं कर दिया था, तो वो केक अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। तो जो भी करेंगे थोड़ा बहुत शाम को ही कर पाएंगे, ऐसा विशेष जो सोचा था ऐसा कुछ भी तो वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर तब तक के लिए इसको आराम करने देते हैं। और और हमारी एनिवर्सरी के लिए अच्छे अच्छे विशेष भेजिएगा। थैंक थैंक यू बढ़िया। यू। अब मम्मी टीचर हुई तो अच्छी अच्छी विशेष भेजिए, तब की चौथी तो। मेरे लिए मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है, तो बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ शाम को कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसा तो नहीं कि मतलब बिल्कुल बैठे रहें। इसको आराम करने देते हैं और फिर हम करेंगे शाम को कुछ ना कुछ। हाँ बस जो बाहर जाने का प्लान था और बहुत सारे प्लान थे वो सब ठप हो गए। पैर में भी लगी है तो डांस वांस भी नहीं कर सकती। नहीं जी नहीं, मेरे को कोई ऐसा डांस करने करने का शौक़ नहीं है, पहले तो तेरा ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर तब तक के लिए जय श्री राम। अरे मच्छू को खाना नहीं दिया हूँ। अरे मच्छू का पानी चेंज किया था ना, बता मेरी मच्छू बेचारी।
मेरी प्यारी प्यारी मच्छू, ज्यादा भूखी हो गई थी पता, भूख लग गई उसको, भूखी हो गई बेचारी। ऐसे भी इसको भूख बहुत लगती है। थैंक यू। कैंडल ला दिए भाई, ला दिए ना, ठीक है। इस पर टैग लगा हुआ है? हाँ, ये आगे कैंडल, ये छोटी कैंडल्स, ये स्वीटू। वेरी गुड, उसको समझाना नहीं पड़ा कुछ भी। वेरी गुड। एनिवर्सरी टैग खोल के मैं बाद में दिखाऊंगा, और हम शाम को काटेंगे, तो तब तक लिए हम केक को डाल देते हैं अंदर, बाकी सारे सामान को हम रख देते हैं। तो थोड़ा सा ठीक लगा है, तो ये मेरी मदद करने आई है, मटर छिल रही है, और मटर छिल के सोफे के ऊपर रखी, जबकि आज ये सोफा पूरा साफ हुआ है। अभी हटा दूंगी उसको। कोई बात नहीं, रख नहीं, बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, तू काम कर, आज सब्जी मैं बनाता हूँ। पीटो बहुत अच्छा खाना बनाती है, टेस्टी वाला। चलो ठीक है, हाँ थोड़ी देर मिलते हैं फिर। यहाँ पे हमने लिया है तेजपान, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग। यहाँ पे लिया है हमने प्याज, लहसुन, और ये है अदरक छोटा सा, और ये है काजू ग्रेवी के लिए, और ये है काजू। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ काजू मटर मसाला सब्जी की रेसिपी। मैं भी किचन में आ गई हूँ, देखिए आपको देख सकते हैं कितनी स्वेलिंग आ गई गाल पे। तो आज के लग गई, तो आज के शेफ शेफ हम हैं। नहीं सही में बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं स्वीटू, ऐसा नहीं कि बीमार होती तब भी बनाते हैं। आज बना रहा हूँ मटर, सॉरी वो काजू खाया हुआ था, काजू मटर मसाला। आइए बनाते हैं। मैं बस एक बार पानी पी लेता हूँ, क्योंकि झूठे मुंह से मैं खाना नहीं बना सकता। पानी पी लेता हूँ, उसके बाद फिर हम रेसिपी शुरू करते हैं। और हाथ धो लेते हैं, क्योंकि तो रसोई में छूटे हाथ से तो काम कर नहीं सकते हम। यहाँ पे हमने लिया है एक टेबल स्पून ऑयल। पहली रेसिपी है, इसे डर रहा हूँ, इसमें हम सबसे पहले काजू डाल देंगे। काजू को बहुत ज्यादा नहीं पकाना होता है, बस हल्का सा, शैलो फ्राइड ना। हाँ जी, मैं थोड़ा अंग्रेजी के दो चार शब्द चिपका दूं, वो बात अलग है यार, लेकिन अब अननेसेसरली हमारे मुंह से इंग्लिश नहीं निकलती, हमारे लिए आज भी अंग्रेजी है। हाँ जी, जो मातृत्व हमको हिंदी में मिलता है, और झगड़ा हो जाए, ओए होए, झगड़े में तो जब हमारा देसी पना निकलता है अंदर से, तो वो तो सेंसर बोर्ड की मेरे ऊपर वो लगी हुई है, वरना मैं इधर कहाँ सेंसर बोर्ड, वो है ना मेरा सेंसर बोर्ड। एक्चुअली पम्मी को थोड़ी सी लैंग्वेज में मतलब है उसको, कि मतलब हमारे घर में पम्मा को थोड़ा सा है कि लैंग्वेज बिल्कुल भी थोड़ी सी लेफ्ट राइट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज। ये काजू रोस्ट हो चुके हैं, सब्जी में डालेंगे। गैस को मैंने सिम कर दिया है, कभी भी सेफ्टी फर्स्ट है रेसिपी में, कभी भी इतना नहीं खोना है हमें कि हम सेफ्टी का ध्यान ना रखें, तो बिल्कुल सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखें। मेरी भी जितनी भी बहनें माताएं किचन में काम करती हैं, बिल्कुल सेफ्टी का ध्यान रख के करें। ये हमारे काजू फ्राई हो गए, अब एक सेकंड का टाइम लेते हैं हम। थोड़ा सा जीरा डालेंगे हम पहले, जीरे को तड़तड़ाने देंगे जब इसका डिस्को बंद हो जाएगा, उसके बाद हम इसको डिस्को दीवाने बनाएंगे। देसी भाषा में बोला जाए तो इसकी मचलती जवानी का पहले रुकने देंगे। मचलती जवानी, ये हमारे हो गए। इसके बाद इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ क्या क्या निकाले हैं, ये खड़े मसाले हमने डाल दिए। गैस तो अदरक को खड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ग्रेड करके डाल रहा हूँ। तो ये हमारा आ गया, अब हम ये डाल देंगे इसमें। यहाँ पे हम प्याज वगैरह सबको इसमें डाल देंगे, और अच्छे से फ्राई होने देंगे, इसको हिलाते रहना है ताकि ये जले ना।
इसको बोलते हैं एक में डबल का मजा। रेसिपी की रेसिपी और गाने का गाना है ना, डबल खाया था। टाइम स्पेंड का टाइम स्पेंड, बीमार बीवी के साथ। नहीं बीमार हुई नहीं, तू चोटिल है, चोटिल जख्मी हो गई, चोटिल जख्मी दिल जख्मी। बताओ एनिवर्सरी के दिन वॉशरूम में कौन नहीं होता है, गिरी भी तो वॉशरूम में। सौरभ बोल रहे थे मेरे तो गिरना नहीं था, लेकिन आज के दिन गिरना था। गिरी भी तो वॉशरूम पे गिरी सोचते। ये देख सकते हैं आप, ये फ्राई हो चुके हैं जितने के मजा था। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। अब देखेंगे मैंने टमाटर का साइज़ थोड़ा बड़ा बड़ा रखा है, रफली चॉप्ड किए हुए हैं, क्योंकि इसमें हमको ज़रूरत भी नहीं है कि इसको हम बारीक काटें। इसको हल्का सा दबा लेते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट करने तक इसको हम आँच में पकने देंगे, उसके बाद का प्रोसेस हम आपको आगे बताते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, और उसके बाद हाफ टी स्पून तीखी लाल मिर्च, और अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून वो भी। तीनों चीज़ें एक ही क्वांटिटी में लेनी है, आप कम ज़्यादा अपने स्वाद के हिसाब से कर सकते हैं। और ये डाल रहा हूँ मैं एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च एवरेस्ट की, इससे तीखापन तो नहीं बढ़ेगा लेकिन हाँ इसका कलर बहुत ही प्यारा रेडिश कलर आ जाएगा। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक इश्क का, ये नमक इश्क का इसमें डल गया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर पकने देंगे ताकि जो भी मसाले हैं वो इससे अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं, कहीं पे भी एक साथ मसाले का स्वाद ना आए किसी भी प्रकार का। तो सारे उसको दबा दबा के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझमें है कुछ ऐसी सुहासा जिसकी खातिर मैं था जगा सा, आज मेरे ख्वाब सजा जा रे, दिल रोएगा नहीं, तू आजा मेरे माही, मेरे माही, मेरे माही, तू आजा। आप देख सकते हैं ये अच्छे से इसे तेल अलग हो चुका है, मतलब ये पक चुका है। अब इसको हम गैस को बंद करेंगे, इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे ठंडा करके। और ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज को किया था। ये रही ग्रेवी हमारी, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो ग्राइंड करने के बाद इस कलर में आ जाती है। इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे राई, राई को थोड़ा डिस्को डांडिया खेलने देते हैं। इसको इसको ब्लैक मस्टर्ड भी बोलते हैं हम देसी में, राई भाषा में राई बोल देते हैं। इसके बाद डालेंगे हम जीरा, ये हमारा तड़तड़ा चुका है। अब इसमें हम ये ग्रेवी डाल देंगे, इसको अब हम हल्का सा थोड़ा सा सिम फ्लेम में एक तरीके से हल्का सा समझ लीजिए गरम कर लेंगे, या थोड़ा सा इसको पका लेंगे बोलिए। ये देखिए हमारे इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब इसका काम हो चुका है। अब इसमें हम मटर डाल देंगे, ये हमारे मटर डाल गए, इसको हल्का सा हिला लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे। अब इसको हम मीडियम फ्लेम में रख के इसे ढक देंगे ताकि हमारे मटर पक जाए। We'll be right back.